गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मनी कॉन्सेप्ट. ओके, इन मनी देर इज़ अ कॉइन्स एंड नोट्स आर देयर. ओके, जस्ट चेक, दीज आर द कॉइन्स विच इज़ इन सारा'स हैंड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट द कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स. इट इज़ अ 50 पैसा. ओके, एंड इट इज़ अ 1 रुपीज़ कॉइन. इट इज़ 2 रुपीज़ कॉइन. Okay, and this is a 5 rupees coin, and this is a 10 rupees coin. Okay, and now the notes, it's a 1 rupees note. ये आजकल चलते नहीं हैं, लेकिन हाँ चलते हैं. That is a 2 rupees coin note, and it is a 5 rupees note, and it is a 10 rupees note, 20 rupees notes, 50 rupees note, and it is a 100 rupees note, 200 rupees note. ये सब आपने देखे होंगे अपने पेरेंट्स के पास. 500 rupees note है ना. इट इज़ अ 2000 rupees नोट. ओके, अब ये सारे नोट जो आपका पिगी बैंक है उसके अंदर सबमिट हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं. आप जो मनी सेव करते हो आप उसी को खर्च करते हो ना. तो ये सारी चीज़ें मिलके मनी कहलाती हैं, कॉइन्स एंड नोट्स. ओके, अब जो ये सारा है, ये सारा शॉपिंग के लिए जा रही है. तो हम चीज़ें चेक करेंगे कि वो कितने पैसे में क्या चीज़ खरीद रही है. ऑब्वियस शॉपिंग के लिए जा रही है तो उसे अपने पैसे भी साथ में लेके जाने होंगे. अब वो एक शॉप पे पहुंचती है और वो कुछ सामान परचेस करती है. लॉलीपॉप की कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज़. तो उसे 10 रुपीज़ का नोट देना होगा ना. तो वो 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ दे रही है क्या? 5 रुपीज़ के 2 नोट, 2 रुपीज़ दे रही है क्या? वो कॉम्बिनेशन दे सकती है, जैसे कि उसने 5 रुपीज़ दिया, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दिए, और अब वो 1 रुपीज़ देगी. इसके अलावा वो 10 रुपीज़ में 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स भी दे सकती है. ठीक है, तो इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि हमारा 10 काउंटिंग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि प्लस एडिशन तो मैंने आपको सिखाया है ना. तो ये देखिए, 5, 2, 2 एंड 1, 10 हो जाता है टोटल. ओके, अब सारा दूसरी दुकान पे जा रही है और उसने 30 रुपीज़ का यहाँ पे कलर्स लिए हैं, पेन्स लिए हैं, कलर पेन. ठीक है, अब 30 रुपीज़ में वो क्या दे सकती है? देखिए, 10 रुपीज़ के 3 कॉइन्स दे सकती है, या 10 और 5 के कॉम्बिनेशन दे सकती है. यहाँ पे उसने नोट दिया है 20 रुपीज़ का नोट, और साथ में क्या देगी? 10 रुपीज़ का नोट. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ 30 रुपीज़. तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं बेटा. ठीक है, 20 + 10 इज इक्वल टू 30. ओके, तो उसने 30 रुपीज़ के क्या लिए? कलर लिए. ओके, देखिए, तो आज आप अपने घर पे एक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे. ओके, अपने पेरेंट्स के साथ, मनी के साथ. अब ये बैलून्स हैं, और बैलून की कॉस्ट वो जानना चाहती है कि आखिर बैलून जो है वो कितने की हैं. उसने एक बैलून लिया, और बैलून के लिए उसने 20 रुपीज़ का नोट दिया. दैट मीन्स कि जो बैलून है वो आपका 20 रुपीज़ का है ना. और उसने उनको 5 रुपीज़ रिटर्न किए. अब देखिए, 20 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा 15 आंसर आता है. ओके, तो 20 - 5, 15 रुपीज़ जो है अब उसके बैलून की कॉस्ट थी. तो आपको एडिशन ही नहीं, सब्ट्रैक्शन भी करना आना चाहिए. हो सकता है आपके पास चेंज ना हो और आपको दुकानदार से वापस कुछ चीज़ें लेनी पड़े या कुछ मनी लेनी पड़े, है ना. अब आइसक्रीम की शॉप पे जा रही है सारा, और वो आइसक्रीम परचेज़ करना चाहती है. उसने आइसक्रीम परचेज़ की है, और वो उसके लिए उसने 50 रुपीज़ दिए हैं. क्या आइसक्रीम 50 रुपीज़ की होगी? वैसे तो होती भी है, डिपेंड करता है हम कौन सी ब्रांड की ले रहे हैं. लेकिन उसने उसे 20 रुपीज़ वापस किए, तो 50 में से 20 और 5, 25 उसने वापस किए. दैट मीन्स कि ये जो आइसक्रीम है आपकी 25 की कॉस्ट की पड़ी है उसे. अब हम देखते हैं बोर्ड पे, 50 माइनस
ट्वेंटी और फाइव, 25, तो हमारा आंसर होता है 25 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी सब्सट्रैक्शन भी आपको करना होता है। तो देखो सारा के पास बैलून एंड आइसक्रीम दोनों हैं। ओके, टेक केयर, बाय।